हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने जो है बूलियन एलजेब्रा को जो है सिंप्लीफाई किया था यूजिंग बूलियन एक्सप्रेशन। हमारे पास बूलियन एलजेब्रा था, जैसे डी मॉर्गन थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब। लेकिन हमें भी पता है कि जो हमने जब बूलियन एलजेब्रा की हेल्प से जो है कॉम्प्लिकेटेड जो एक्सप्रेशन है बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और मुश्किल मेथड था और काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग था। अब इसको जो है इजी मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है एक टेक्निक यूज़ होती है जिस इज़ कॉल्ड कार्नोग मैप मेथड, या इसे हम के मैप मेथड भी बोलते हैं। इससे हम जो है बिना मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व किए सिर्फ विजुअली जो है कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को, बुलियन फंक्शंस को जो है सॉल्व कर पाते हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए कार्नोग मेथड अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए टू वेरिएबल्स मतलब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक ए वेरिएबल और एक बी वेरिएबल। तो ए वेरिएबल और बी वेरिएबल के लिए सपोज करो आप 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरह लिखते हो, फिर आप मिन टर्म निकालते थे। मैंने मिन टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए आपको जो है मिन टर्म कैलकुलेट कराई थी, ठीक है, मिन टर्म कैलकुलेट कराई थी। तो इस तरह से आप मिन टर्म लिख लेते हो। तो अब आप जो है टू वेरिएबल के लिए कैसे जो है कार्नोग मैप ड्रॉ करते हो वो देखिए। आप क्या करते हैं, एक साइड ए लिख लेते हैं, एक साइड बी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू पॉसिबल है 0 या फिर 1, बी की वैल्यू पॉसिबल है 0 या फिर 1। ए की 0 वैल्यू के लिए आपके पास मिन टर्म m0, ए की वैल्यू फिक्स, बी की वैल्यू चेंज m1, ए की वैल्यू 1 फिक्स, m2, m3। आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, जिसमें आप ए इस साइड लिख लेते हो, बी इस साइड लिख लेते हो 0 1 0 1, इसमें आप m0 m1 m2 m3 ऐसे लिख लेते। बट हम जो है अपने मेथड में जो हम आगे सॉल्व करेंगे हम उसमें हमेशा जो पहले वेरिएबल हैं उसको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे और जो दूसरे बाद के वेरिएबल हैं उनको वर्टिकली लिखेंगे, ठीक है। तो सपोज कर लो आपके पास एग्जांपल है, एक फंक्शन है बूलियन फंक्शन जिसमें आपकी मेन टर्म्स जो हैं वो m2 और m3 हैं। मतलब जब आपने कार्नोग मैप ड्रॉ करना है, कार्नोग मैप ड्रॉ करने के लिए ए बी 0 1 0 1 m2 और m3 जो है जहाँ पे मिन टर्म है वहाँ पे आपने 1 डाल देना है, जहाँ पे मिन टर्म है वहाँ पे m2 और m3 ये मिन टर्म है यहाँ पे आपने 1 1 डाल देना है, बाकी आपने 0 ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से आप जो है टू वेरिएबल्स के लिए जो है कार्नोग मैप जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। थ्री वेरिएबल्स के लिए आपके पास 3 वेरिएबल होंगे ए बी एंड सी। थ्री वेरिएबल्स के लिए हमारे पास आपने दो वेरिएबल्स एक साथ इकट्ठे लिख देने हैं, मतलब ए डॉट बी अलग लिख देना और सी अलग लिख देना, ठीक है। अब ए डॉट बी में आपके पास 0 0 0 1 1 0 आपने बाद में लिखना है, 1 1 पहले लिख देना और 1 0 बाद में लिखना है, और सी तो क्या है 0 या फिर 1। ठीक है, तो इसमें आपके पास वैल्यूज कैसे आएंगे देखो ध्यान से, m0 फिर c के लिए m1 m2 m3। अब क्योंकि 0 1 के बाद 1 1 नहीं आता, 1 0 आता है, तो m4 आपने ये लिखना है, m4 m5 इसके लिए ये दोनों m4 m5, फिर ये m6 ये m7, ठीक है। एक तो ये मेथड है जिसमें ए भी हॉरिजॉन्टल लिखा और एक सी जो है वो वर्टिकल लिखा। एक दूसरे मेथड में ए भी वर्टिकल लिखेंगे और सी हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, ठीक है। तो ए भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखेंगे तो 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ध्यान रखो अगेन मैंने जो है जानबूझ के 1 1 को पहले रखा है और 1 0 को बाद में रखा है, ये इस तरह का रूल है। सी के लिए तो 0 और 1। अब m0 m1 m2 m3 1 1 को बाद में m4 m5 m6 m7 इस तरह से 3 वेरिएबल के लिए लिखेंगे। अब लास्ट है 4 वेरिएबल के लिए कैसे लिखेंगे। फोर वेरिएबल के लिए भी सिंपल है,
आपके पास फोर वेरिएबल ए बी सी एंड डी। तो मर्जी है आपने ए बी और सी डी किस साइड लिखना है। जैसे सपोज मैं पहले ए डॉट बी इधर लिखाता हूँ, सी डॉट डी इधर लिखाता हूँ, तो 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 and 1 0। तो कैसे आएगा, ए ए बी के कोरस्पोंडिंग सारे एम लिख लो पहले, एम नोट एम वन एम टू एम थ्री, फिर नेक्स्ट एम फोर एम फाइव एम सिक्स एम सेवन, फिर 10 को पहले कंसीडर करना, 11 को बाद में, तो एम एट यहाँ आएगा। अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, ध्यान से देखो, 11 से पहले 10 कंसीडर करना था, तो एम ज़ीरो एम वन ये एम टू आएगा, ये एम थ्री आएगा, एम फोर एम फाइव ये एम सिक्स आएगा, ये एम सेवन आएगा, एम एट एम नाइन ये एम टेन आएगा, फिर ये एम इलेवन आएगा, एम ट्वेल्व एम थर्टीन फिर ये एम फोर्टीन आएगा, ये एम फिफ्टीन आएगा। तो आपने दोनों साइड अब ध्यान रखना है कि भाई ये जो ऑर्डर है वो किस तरह से फॉलो करना है। एक तो ये था, एक आपने अब ए बी इस साइड रखना है और सी डी इस साइड, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 0। एम ज़ीरो एम वन एम टू पहले यहाँ, इधर एम थ्री यहाँ, एम फोर एम फाइव एम सिक्स एम सेवन, एम एट ना एम एट यहाँ, एम एट एम नाइन एम टेन एम इलेवन, फिर एम ट्वेल्व एम थर्टीन एम फोर्टीन एंड एम फिफ्टीन। ये ऑर्डरिंग ध्यान रखनी है, ऑर्डरिंग गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डरिंग गलत हुई तो मतलब समझ लेना आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो अब क्वेश्चन है, ड्रॉ के मैप फॉर थ्री वेरिएबल एम वन एम थ्री एम फाइव एम सिक्स एम सेवन, मतलब एम वन एम थ्री एम फाइव एम सिक्स और एम सेवन की जगह आपने 1 भरना है, बाकी जगह 0। तो देखो मैं कौन से वाला फॉलो करता हूँ, मैं सपोज कर लो ये वाला फॉलो करता हूँ, एम वन एम थ्री एम फाइव एम सिक्स एम सेवन की जगह 1 भरना है, बाकी 0 डालना है। ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी आपके पास के मैप है ही है, आप के मैप पहले बना लो उसके बाद फॉलो कर लेना। 1 कितने हैं, 4, ए बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, 0 1 यहाँ पे, 0 0 0 1 1 1 1 0। तो एम थ्री एम फाइव एम सिक्स एम सेवन ये थे 1 1 1 1 और बाकी जगह 0। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से आपको कह दिया जाए के मैप ड्रॉ करो 4 वेरिएबल का, ए बी सी डी, और क्वेश्चन है एम टू एम थ्री एम फोर एम सिक्स एम सेवन एम इलेवन एम फोर्टीन एम फिफ्टीन। बस आपने के वेट के मैप आपके पास है ही है, किस तरह का बनता है, आपने जहाँ जो जो क्वेश्चन में दिए हैं वो आपने 1 फिल कर देने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, ए बी सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, एम टू एम थ्री एम फोर एम सिक्स, एम टू ये रहा देखो 1, एम थ्री ये रहा 1, एम फोर ये रहा 1, एम सिक्स ये रहा 1, एम सेवन ये रहा 1, एम इलेवन
ये रहा 1, M14 ये रहा 1, M15 ये रहा 1, बाकी सारे 0। तो इस तरह से आप किसी भी के मैप को जो है ड्रॉ कर सकते हो। अब ये तो था कि भाई के मैप ड्रॉ कर लिए, अब के मैप ड्रॉ करना तो हमारा पर्पस नहीं है ना, सिर्फ हमने जो है बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। एक्चुअल पर्पस तो ये था कि हमारे जितने भी बूलियन एक्सप्रेशन है हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। बूलियन अलजेब्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अब एक बार आपने के मैप ड्रॉ कर लिया, अब जो है सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है वो देखिए। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो एनसर्कल करने हैं। कौन से ग्रुप जो है इनसर्कल करने हैं, और इनसर्कल करने का मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले चाहे 3 वेरिएबल हो चाहे 4 वेरिएबल का के मैप हो, आपने सपोज करो मैं अपना एग्जांपल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए सारी एग्जांपल्स ड्रॉ करूँगा। ए बी सी 00 01 11 10 0 1। सपोज करो कुछ आपके पास कोई फंक्शन था जिससे आपका जो के मैप है कुछ इस तरह का बना, 11 00 11 0 0। आपने हॉरिजॉन्टल या फिर सपोज करो मैं एक फोर मैप का, फोर वेरिएबल्स का भी बना देता हूँ, दोनों बना देता हूँ ताकि आपको इकट्ठे ही समझा लूँ। जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो, ठीक है। और सपोज ये था 00 10 0 00 10 0 1 1 0 0 and 0 0 0 0। अब ये ध्यान से समझ लेना, अगर ये समझ में आ गया तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं आया तो बस खत्म है काम। अब आपने हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिसमें इकट्ठे एक साथ वन हो। जैसे एक पेयर मिल गया मुझे ये वाला, ये वर्टिकली वन है, एक पेयर मिल गया मुझे ये वाला, इसके अलावा कोई पेयर नहीं है, वन देखने हैं सिर्फ, जीरो के नहीं वन के। इसी तरह यहाँ पे आपको एक पेयर ये मिल गया, एक पेयर ये मिल गया। ध्यान रखना डायगनल वाले अलाउड नहीं है, जो ये वाला पेयर है इसे काउंट नहीं करना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल पेयर ही काउंट होंगे, डायगनल नहीं काउंट होंगे। अब इसके बेसिस पे आपने जो है क्या करना है ये देखो, इसके बेसिस पे कैसे करना है। अब ये वाला पेयर है 1 1, अब इसमें चेक करो ये वाले वेरिएबल के लिए जो ए आपने लिखना है ए बी सी की वैल्यू क्या है, 0 0 0 0 0 0, और दूसरी वैल्यू क्या है 0 0 1। तो आप देखो इस जो सर्कल किया आपने पेयर, इसमें कौन किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ए और बी की वैल्यू कांस्टेंट है 0 0 0 0 ही है, लेकिन सी की वैल्यू जो है वो 0 से 1 हो रही है। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है वो आपने कंसीडर नहीं करना, और जो वेरिएबल अनचेंज है वो आपने मान लेना है आंसर। तो कौन सा वेरिएबल अनचेंज है, ए बी, और ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 0 0 है। अगर वैल्यू 0 है तो आपने कॉम्प्लीमेंट लगा देना है, मतलब इस ग्रुप के लिए जो आंसर आएगा वो ए बी तो नहीं आएगा लेकिन आएगा ए बार बी बार, ए बार इंटू बी बार, क्यों, क्योंकि 0 0 था। अब ये वाली एग्जांपल देखो, ये वाली एग्जांपल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब यहाँ से यहाँ गया सी जो है वो चेंज नहीं हुआ, 0 ही रहा, जब यहाँ से यहाँ गया सी चेंज नहीं हुआ, 0 का 0 रहा। एक तो देखो तरीका है सिंपल, आप जो है लिख के देखो सारा, बट आप लिखे बिना भी कर सकते हो अगर आप अंडरस्टैंड कर लो। इस पॉइंट के लिए क्या है ए बी सी 1 1 0 1 1 0, और इस पॉइंट के लिए क्या है 1 0 0 1 0 0। तो देखो जीरो सी चेंज नहीं हो रहा, 0 का 0 रहा, बी चेंज हो रहा है 1 का
जीरो हो गया, ए चेंज नहीं हुआ, ए वन का वन रहा। तो इसमें कौन से वेरिएबल चेंज नहीं हुए? एक ए चेंज नहीं हुआ और एक सी चेंज नहीं हुआ। ए चेंज नहीं हुआ लेकिन ए की वैल्यू क्या है? वन है। सी चेंज नहीं हुआ लेकिन सी की वैल्यू है जीरो। तो पहले तो ए और सी चेंज नहीं हुए लेकिन ए पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा लेकिन सी पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ए डॉट सी बार, सी पे कॉम्प्लीमेंट क्यों आया? क्योंकि सी की वैल्यू जीरो थी। ए पे कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि ए की वैल्यू वन थी। तो अब आप बिना देखे भी कर सकते हो, एक एक वेरिएबल का चेंज चेक करो। यहाँ से यहाँ ए वन से वन रहा तो आपने लिख देना है ए, बी वन से जीरो हो गया आपने लिखना ही नहीं, सी जीरो है दोनों के लिए, सी चेंज नहीं हुआ, सी की वैल्यू जीरो है तो सी बार आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे करा के दिखाता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे नोटिस करो, मर्जी है, पहले हॉरिजॉन्टली लेना है पहले वर्टिकली लेना है। अब जैसे यहाँ पे है, ये है पेयर ए, पहले ए बी की वैल्यू देखो, ए दोनों के लिए वन है, ए दोनों के लिए वन है तो ए का ए आ जाएगा, बी दोनों के लिए इस पेयर के लिए दोनों पेयर के दोनों वैल्यूज के लिए वन ही है तो बी का भी बी आ जाएगा, सी जीरो से जीरो, सी भी चेंज नहीं हुआ लेकिन सी की वैल्यू जो है जीरो है तो सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, डी डी जो है जीरो से वन में चेंज हो रहा है तो डी नहीं आएगा, सिंपल। तो ए बी सी बार आंसर आ गया। इसमें देखो, इसमें ए और बी चेक करो, यहाँ से यहाँ जाने में ए की वैल्यू जीरो से जीरो मतलब चेंज नहीं हुई लेकिन ए की वैल्यू जीरो रही तो ए बार आ गया, बी की वैल्यू जीरो से वन चेंज होगी तो बी नहीं आएगा, सी और डी की वैल्यू जो है दोनों में वन वन है तो सी और डी ऐसे आ जाएंगे, सी और डी और वन वैल्यू है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। तो इस वाले का आंसर क्या आया? ए बार बी बार प्लस ए सी बार। और इस वाले का आंसर आया ए बी सी बार प्लस ए बार सी डी। तो इस तरह से आप जो है पेयर्स जो है चूज़ करते हो, और पेयर्स चूज़ करने के बाद आप जो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा वो आपने लिखना है, और जीरो के लिए जो है आपने कॉम्प्लीमेंट लगा देना है ऊपर, वन के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना, और जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको तो आपने सिंपली ड्रॉप कर देना। तो एक तो था पेयर चूज़ करना, अब पेयर चूज़ करने के अलावा आप जो है क्वाड्स या फिर ऑक्टेट भी चूज़ कर सकते हैं। क्वाड्स मतलब चार का, ठीक है, और ऑक्टेट मतलब आठ का। तो सबसे पहले क्वाड्स की बात करते हैं। जीरो 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 वन 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 जीरो जीरो वन 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 जीरो 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 जीरो, एक तो ये एग्जांपल है। अब आप जो है ज़रूरी नहीं है कि आप पेयर्स ही चूज़ करो, जैसे कि पेयर्स तो थे आपके पास, जैसे ये दो पेयर हैं ये दो पेयर हैं, लेकिन जब आपके पास पेयर की जगह आपके पास चार इकट्ठे ज्वाइन हो रहे हों हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, आप उन्हें ज्वाइन करो। यहाँ पे ये इस तरह भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, ठीक है, ये भी आपका क्वाड में काउंट होता है। अब मैं आपको सॉल्व करके जो है मैनुअली नहीं लिख के दिखाऊंगा, अब हम जो है सिंपली लिखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। देखो यहाँ से यहाँ जाने में ए की वैल्यू जीरो जीरो वन वन, ए की वैल्यू तो बदल रही है, ए तो नहीं आएगा, बी की वैल्यू जीरो वन वन जीरो, बी की वैल्यू भी बदल रही है तो बी भी नहीं आ सकता, लेकिन सी की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ जाने में कॉन्स्टेंट है जीरो, लेकिन वैल्यू क्या है जीरो है, तो इसलिए आपको सी बार लिखना पड़ेगा, बस सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ से यहाँ जाने में ए और बी की वैल्यू फिक्स है 0 और 0, लेकिन 0 वैल्यू है तो आपको बार लगाना पड़ेगा, ए बार बी बार। यहाँ से यहाँ जाने में सी की वैल्यू 0011 बदल रही है, सी नहीं आएगा। डी की वैल्यू 0110, डी की वैल्यू भी चेंज हो रही है तो डी भी नहीं आएगा, तो ए बार बी बार आ जाएगा। अब ये देखते हैं, यहाँ से यहाँ जाने में हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में जाने में ए की वैल्यू 1 और 1, ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो ए की वैल्यू और 1 है तो ए का ए आएगा। बी की वैल्यू 1 और 0 चेंज हो रही है, बी नहीं आएगा। अब यहाँ से यहाँ वर्टिकली नीचे आते हैं, सी की वैल्यू 0 से 0 चेंज नहीं हो रही, लेकिन सी की वैल्यू 0 है तो सी बार आ जाएगा। डी की वैल्यू 0 से 1 जा रही है तो डी नहीं आएगा, तो ए सी बार। तो इसका आंसर तो सिंपली सी बार आ गया, और इसका आंसर आया ए बार बी बार प्लस ए सी बार। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्वाड भी जो है ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ऑक्टेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्वाड ही बन रहा हो, आपके पास 8 का भी बन सकता है ग्रुप। जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो एंड सपोज यू हैव वन 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 जीरो 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 जीरो। अब देखिए, वैसे तो चाहे आप 10 तरह के ये पेयर बना लो, इसे पेयर बना लो, इसे पेयर बना लो, इसे पेयर बना दो, 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 या फिर और क्वाड्स बनाने शुरू कर दो, दिस 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 दिस। लेकिन अब जब इतने सारे क्वाड्स पेयर्स या क्वाड्स या पेयर्स बनाने की ज़रूरत क्या है, जब हमारे पास इकट्ठा एक ऑक्टेट बन रहा हो, तो आप सीधा ऑक्टेट मतलब 8 का ग्रुप बना लो, 8 के ग्रुप बना के उसमें जो है सीधा आंसर निकाल लो। पहले यहाँ से यहाँ देखो क्या चेंज हो रहा है, ए की वैल्यू 0 से 1 बदल रही है तो ए तो नहीं आएगा। बी की वैल्यू 1 और 1, बी की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, और वैल्यू 1 है तो बी का बी आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर से नीचे आने पे सी की वैल्यू 0011, सी की वैल्यू बदल रही है नहीं आएगी। डी की वैल्यू 01110 तो बी डी की वैल्यू भी नहीं आएगी, तो आंसर आपका आ गया बी। तो इस तरह से आप जो है पेयर्स क्वाड्स एंड ऑक्टेट से जो है सिंप्लीफाई करने की सोच सकते हैं। अब ये तो था कि सपोज, अब तो पेयर्स क्वाड्स और ऑक्टेट तो आ गए, अब सपोज कीजिए आपके पास ओवरलैपिंग ग्रुप्स आए तो उनका क्या करना है। ओवरलैपिंग ग्रुप का मतलब मैं समझा देता हूँ, जैसे जीरो 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 ए बी सी डी 1110 0001110, ठीक है। आपके पास जो है 0 के मैप है वो ये है 0000 0110 1111 1111, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको एक सिंपल सीधा सीधा ऑक्टेट दिखाई दे रहा है, ये आपने ड्रॉ कर लेना है, एक सीधा सीधा ऑक्टेट ड्रॉ करना है। अब इस ऑक्टेट के अंदर ओवरलैपिंग चाहे पेयर्स बनते हो, जैसे ये पेयर बन रहा है इसे नहीं कंसीडर करना, चाहे ये पेयर बन रहा है इसे नहीं कंसीडर करना, चाहे ये क्वाड बन रहा हो इसे कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये जब आपके ऑक्टेट के अंदर ही आ गए तो इसे नहीं छेड़ना। लेकिन अब जैसे ये 2 1 1 बाहर हैं, तो आप जो है एक क्वाड जो है वो बना सकते हो, इसके जो वन है, इस ऑक्टेट के जो वन है वो यूज़ करके, दोनों वन यूज़ करके आप जो है एक क्वाड बना सकते हो। तो आपके पास एक ऑक्टेट बना और एक क्वाड बना, तो ऑक्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख लो, देखो क्या आएगी। ए की वैल्यू तो चेंज हो रही है 0011, ए नहीं आएगा। बी की वैल्यू भी चेंज हो रही है 0110, सी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो सी आएगा 1, सी 1 है तो सी आ जाएगा। डी की वैल्यू चेंज हो रही तो डी नहीं आएगा। और अब इस तरह से क्वाड के लिए वैल्यू लिख लो,
ए 0 से 1 चेंज हो रहा है तो ए नहीं आएगा, बी 1 1 बी चेंज नहीं हो रहा तो बी का बी आ गया, सी 0 से 1 0 से 1 चेंज हो रहा है सी नहीं आएगा, डी 1 1 डी चेंज नहीं हो रहा और वैल्यू 1 है तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा सी प्लस बी डी। तो इस तरह से आप ओवरलैपिंग ग्रुप जो है आपने कंसीडर करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके ओवरलैपिंग में एक उसमें ही सारा कंसीडर हो रहा है फिर नहीं आपने वो वाले नहीं लेने, बट अदरवाइज अगर आपके ऑक्टेट या क्वाड के बाहर वैल्यूज़ हैं वो आपने कंसीडर करनी है और वो उसके जो वन है वो आपने यूज़ करने हैं टू मेक न्यू व्हाटएवर, पेयर बनाना है, ऑक्टेट बनाना है, क्वाड बनाना है, व्हाटएवर यू हैव टू मेक वो आपने यूज़ करने हैं, ओवरलैपिंग पेयर सारे यूज़ करने हैं। एक और एग्जांपल करा रहा हूँ आपको, सारी एग्जांपल्स करवा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएं एग्जाम में। ये भी बात है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपने सबसे बड़े ग्रुप के साथ शुरू करना है। सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ पे देखो कौन सा बन सकता है, क्वाड बन रहा है ये वाला। इसके अलावा इस क्वाड में से एक ये वन, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, ठीक है, एक ये पेयर बन रहा है। तो आपने इन सभी के लिए आंसर निकालना है। इसके लिए आंसर निकाल लो, क्या आएगा, ए की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, ए नहीं आएगा, बी अनचेंज है तो बी आ जाएगा, यहाँ पे सी की वैल्यू तो चेंज हो रही है 0 से 1, डी की वैल्यू चेंज नहीं है तो बी डी आ जाएगा। इस पेयर के लिए ए और बी, ए और बी दोनों फिक्स हैं 1 1 तो ए बी का ए बी आ जाएगा, लेकिन सी फिक्स है 1 से 1 तो सी का सी आ जाएगा, डी चेंज हो रहा है 1 से 0 तो डी नहीं आएगा। इस पेयर के लिए ए जो है वो 0 से 0 अनचेंज है लेकिन ए की वैल्यू 0 है तो ए बार आ जाएगा, बी की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है बी नहीं आएगा, सी और डी तो 1 1 है तो सी डी का सी डी आ जाएगा। इस पेयर के लिए ए की वैल्यू फिक्स है 0 तो ए बार आ जाएगा, बी की वैल्यू फिक्स है तो 1 बी का बी आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाने में सी की वैल्यू फिक्स है 0 तो सी बार आ जाएगा, डी की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से 1 तो कुछ नहीं आएगा। तो आपका आंसर आया ए बार बी सी बार प्लस ए बार सी डी प्लस ए बी सी प्लस बी डी। तो इस तरह से आप जो है आंसर कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। दिस इज ओवरलैपिंग ग्रुप। जब आपके ओवरलैपिंग ग्रुप हैं तो आपने वो सारे ओवरलैपिंग ग्रुप कंसीडर करने हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें यूजली स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, रोलिंग ग्रुप्स। ये ध्यान से समझ लीजिएगा रोलिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ उससे आपको क्लियर होगा। रोलिंग, व्हाट आर द रोलिंग ग्रुप्स, सपोज 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1। अब देखिए कि ये क्वेश्चन है, अब आप कहोगे कि भाई इसमें जो है दो क्वाड बन रहे हैं, कौन से, एक ये क्वाड बन रहे हैं और एक ये क्वाड बन रहे हैं, दो क्वाड बन रहे हैं, ऑक्टेट नहीं बन रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा ग्रुप हम बना पाए। तो आप जो है पहले कॉलम और लास्ट के कॉलम को जो है ज्वाइन करा सकते हो यूं कि ये वाला पहला कॉलम इस लास्ट के कॉलम के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो अब क्या बन रहा है, एक ऑक्टेट बन रहा है। इस तरह से लिख देते हैं कि इस और इस पहले और लास्ट कॉलम को आप ज्वाइन करा सकते हो, ठीक है। तो एक ऑक्टेट बन गया 4 + 4 = 8 का। अब इसमें चेक करो, ए 0 से 1 चेंज हो रहा है तो ए तो नहीं आ सकता, इस तरह से बना लो आंसर बनाना है, ए 0 से 1 चेंज हो रहा है ए नहीं आएगा, बी 0 से 0 अनचेंज है लेकिन B 0 है तो B बार आ जाएगा,
अब यहाँ से यहाँ देखो, C तो चेंज हो रहा है 0011, D भी चेंज हो रहा है 0110, तो आपका आंसर जो है वो आ गया बी बार। तो इस तरह से आप जो है, ये तो था ऑक्टेट के लिए। अब इसी तरह से जो रोलिंग ग्रुप है ये आपके क्वाड्स के लिए भी बन सकता है और पेयर्स के लिए भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल 0, ठीक है। अब देखिए, सॉरी एक चेंज करना था मुझे, दिस इज नॉट शुड, दिस इज वन। अब ध्यान से देखिए, वैसे तो आपके पास अगर आप रोलिंग ग्रुप ना लेते, एक ये पेयर बन जाता, 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 बस चार पेयर ही बनते, आपके क्वाड्स ना बनते। लेकिन आप क्वाड्स बना सकते हो, देखो कैसे, ये दोनों प्लस ये दोनों बन गया एक क्वाड। इसी तरह से ये दोनों प्लस ये दोनों बन गया दूसरा क्वाड। तो आपने जो है पेयर्स की जगह दो क्वाड बना लिए, एक तो बनाया ये वाला, इसको सॉल्व करो, यहां से यहां जाने में ए की वैल्यू 0 से 1 बदल रही है, ए नहीं आएगा। बी की वैल्यू 0 की 0 चेंज नहीं हो रही, लेकिन बी की वैल्यू 0 है तो बी बार आ गया। यहां से यहां जाने में सी की वैल्यू तो चेंज हो रही है 0 से 1, डी की वैल्यू अनचेंज है 1 से 1, तो डी आ जाएगा। एक ये बन रहा है रोलिंग ग्रुप का क्वाड, यहां से यहां जाने में अगेन B की वैल्यू अनचेंज है जो कि 0 है तो B बार, और यहाँ पे C की वैल्यू, और यहाँ से यहाँ जाने में C की वैल्यू अनचेंज है 1 तो B बार C। तो आपका आंसर आ गया इसमें B बार D प्लस B बार C। तो इस तरह से आप जो है रोलिंग ग्रुप जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि रोलिंग ग्रुप में आप क्वाड्स ही लो, रोलिंग ग्रुप में आप पेयर्स भी ले सकते हो। मैं आप सारे एग्जाम्पल ही कराऊँगा आपको, ठीक है, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में हर एग्जाम्पल कर पाओ और ऐसा कोई टाइप ना रह जाए कि जो आप कहो कि हमने की नहीं हुई, ठीक है। जीरो 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 वन 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 जीरो, अब सपोज एक आखिरी एग्जांपल कराता हूँ आपको, 0101 0000 0001 01 01। अब देखो यहाँ पे जो है आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप रोलिंग ग्रुप ना लेते आपका एक भी पेयर या क्वाड या ऑक्टेट ना बनता, लेकिन रोलिंग ग्रुप से आप एटलीस्ट दो पेयर बना सकते हो, ये दोनों एंड ये दोनों, दो पेयर बना लिया आपने। अब इस पेयर के लिए आंसर निकाल लो, क्या आएगा, ए जो है 0 से 1 चेंज हो रहा है तो ए नहीं आएगा, बी चेंज नहीं हो रहा 0 से 0 लेकिन बी बार आ जाएगा, सी और डी जो है ऑब्वियसली चेंज नहीं हो रहे, सी लेकिन 0 है तो सी बार आ जाएगा, डी 1 है तो डी का डी आ जाएगा। यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी ऑब्वियसली बी चेंज नहीं हो रहा लेकिन 0 वैल्यू तो बी बार, C की वैल्यू 1 है तो C, D की वैल्यू 0 है तो D बार। तो आपका आंसर आया B बार C बार D प्लस B बार C D बार। अब जरूरी नहीं है कि रोलिंग ग्रुप जो है वर्टिकली ही बनते हों, मैं सिर्फ एक एग्जांपल करा रहा हूँ, बाकी आप जो है सारी इस तरह से, मैं सिर्फ एक क्या बोलते हैं ऑक्टेट की करा देता हूँ एग्जाम्पल। ऑब्वियसली उसी तरह से आप पेयर्स भी बना सकते हो, उसी तरह से आप क्वाड्स भी बना सकते हो, वो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। वन 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 जीरो 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 वन 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 वन
तो देखिए अगेन यहाँ पे भी आप जो है इस तरह से रोलिंग ग्रुप बना सकते हो, ये ठीक है। तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ जाने में ए भी चेंज हो रहा है और बी भी चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में सी जो है वो 0 का 1 चेंज हो रहा है, डी चेंज नहीं हो रहा, डी जो है वो 0 से 0 पे अनचेंज है, लेकिन डी की वैल्यू 0 तो आंसर आ गया डी बार। तो इस तरह से आप जो है रोलिंग ग्रुप जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों जगह लगा सकते हो, ठीक है। एक लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि हमें याद रखना है, रिडंडेंट ग्रुप। अभी रिडंडेंट ग्रुप्स कैसे हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको रिडंडेंट ग्रुप का पता लग जाएगा कि रिडंडेंट ग्रुप होते एक्चुअल में क्या है और कैसे है। आपके पास है 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0। सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपके पास जो जो मैक्सिमम बन सके आपने वो बनाने हैं, उसके बाद बताऊंगा रिडंडेंट ग्रुप क्या होते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो है ऑक्टेट तो देखो बन नहीं सकता, 8 का क्वाड बन सकता है ये। इसके बाद ओवरलैपिंग ग्रुप्स बन सकते हैं पेयर्स के, ये बन गया। भूलो मत एक रोलिंग ग्रुप भी बनाए, ये एंड ये, ठीक है। ये आपके पास एक क्वाड बना और 1 2 3 4 चार पेयर बने। रिडंडेंट ग्रुप क्या है, जिस ग्रुप के सारे 1 यूज हो जाएं नए ग्रुप्स बनाने में, जैसे ये एक क्वाड था 1 1 1 1, इसके चारों 1 यूज हो गए चार पेयर्स बनाने में, एक ये पेयर बना दिया, एक ये पेयर बना दिया, एक ये पेयर बना दिया और एक ये पेयर बना दिया। उस तरह के ग्रुप जिस ग्रुप के चारों 1s यूज हो जाएं नए पेयर्स बनाने में, उस तरह के ग्रुप को रिडंडेंट ग्रुप बोलते हैं। दिस ग्रुप इज रिडंडेंट ग्रुप एंड इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम आंसर। तो आपने जब आंसर बनाना है तो आपने ये रिडंडेंट ग्रुप को कंसीडर नहीं करना, बाकियों से आंसर बनाना है। मतलब एक इससे आंसर बनाऊ, क्या आया ए और बी की वैल्यू फिक्स है 0 0, तो ए बार बी बार, सी की वैल्यू फिक्स है 0 से 0 तो सी बार, डी की वैल्यू चेंज हो रही है इसका बनाओ, ए की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है ए नहीं आएगा, बी की वैल्यू फिक्स है 1 पे तो बी आ जाएगा, और सी ओ डी फिक्स है, सी 0 पे फिक्स तो सी बार, डी 1 पे फिक्स है तो डी। अब इस पे बनाओ, ए और बी फिक्स है 0 और 1 पे, ए 0 पे फिक्स है तो ए बार, बी 1 पे फिक्स है तो बी, सी 1 से 1 अनचेंज है तो सी, डी चेंज हो रहा है 1 से 0 तो ये नहीं आएगा। एंड लास्ट इस वाले ग्रुप का बनाओ, यहाँ से यहाँ ए 0 से 1 चेंज हो रहा है, बी 0 से 0 अनचेंज है लेकिन बी 0 है तो बी बार, और सी ओ डी अनचेंज है 1 1 तो सी डी। तो आपका आंसर क्या है, ये सारों का प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस बी सी बार डी प्लस बी बार सी डी प्लस ए बार बी सी। ध्यान रखो आपने जो है क्वाड जो है वो आंसर में नहीं कंसीडर किया, क्योंकि वो एक रिडंडेंट ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि वो एक रिडंडेंट ग्रुप है तो वो आपने आंसर में नहीं लिया। तो इस तरह से आप जो है ये सारे तरह के मैप बनाने के बाद आपने जो है सिंप्लीफाई करने के लिए जो है इस तरह के जितने भी टाइप के ग्रुप्स बन सकते हैं वो आपने ग्रुप बनाने हैं और फिर फाइनली आपने आंसर सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल है कि आप जो है कार्नोग मैप की हेल्प से सिंप्लीफाई करो इस बूलियन फंक्शन को, और बूलियन फंक्शन है आपका 4 वेरिएबल्स का, एंड डेट इज 0 1 2 4 7 9 11 12। मतलब m0 m1 m2 m4 m7 m9 m11 m12। अब 4 वेरिएबल्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये m की कैसे बनते हैं,
तो मैं ऑब्वियसली उसे दोबारा ड्रॉ नहीं करूँगा, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1. ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ, छोटा छोटा सा लिख देता हूँ ताकि आपको याद करा दूँ कैसे लिखते थे। M0 M1, फिर यहाँ M2 आता था, ऊपर M3 आता था, M4 M5, फिर यहाँ M6 आता था, ऊपर M7 आता था, फिर यहाँ आना है M8 M9, फिर यहाँ M10 M11 M12 M13 M14 और यहाँ M15 ख़त्म होता था। ठीक है, अब बस M01 है, M11 है, M21 है, M2 कहाँ पे है, M2 ये रहा, M21 है, M41 है, M71 है, M7 ये रहा, M91 है, M9 ये रहा, M111 है ये रहा, M12 ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके बन गए, बाकी आपके जीरोज आ जाएंगे, बाकी आपके जीरो जाएंगे। अब आपने सबसे पहले देखना है कि क्या कोई ऑक्टेट बन सकता है, मुझे तो ऐसा कोई ऑक्टेट नहीं दिख रहा जो बन सकता है। फिर आपने देखना है क्या कोई क्वाड बन सकता है, चार का रोलिंग ग्रुप भी देख लेना, रोलिंग ग्रुप में तो नहीं कोई क्वाड बन रहा, चार का इकट्ठा नहीं बन रहा, क्वाड भी नहीं बन रहा। फिर आपने बस आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा, पेयर्स, कौन से पेयर बन जाएंगे, एक ये पेयर बन गया है ना, फिर इसी तरह से एक ये पेयर बन गया, ठीक है, एक ये रोलिंग ग्रुप का पेयर बन गया, दिस प्लस दिस। अब इन दोनों को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, ये वाले को, पहले दो वन को, क्योंकि ये दोनों ग्रुप में इंक्लूडेड है, तो दोनों को इंक्लूड करके क्या करना, आपने जो सिंगल वन है उसको भी अनसर्कल करना है, जो एक अकेला बचा जिसका किसी के साथ ग्रुप नहीं बनना उसको भी मानना है, अलग से कर लेना, और एक ये बन गया, एक रोलिंग ग्रुप देखो, एक ये बन सकता था, दिस दिस, इसको मैंने कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दोनों ही वन ऑलरेडी ग्रुप्स में आ चुके हैं, जब दोनों ही वन ग्रुप में आ चुके हैं, जब ऐसे वंस हों जो दोनों ही किसी ना किसी ग्रुप में हो, उनको अपने ग्रुप में, नए ग्रुप में नहीं डालना, क्योंकि ये वाला वन भी ग्रुप में है, ये वाला वन भी ग्रुप में है किसी ना किसी, जब दोनों ही वन किसी ना किसी ग्रुप में है तो उनको कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो आपके 1 2 3 4 चार पेयर बन गए और एक सिंगलेट बन गया, बस अब इनके लिए सभी के लिए वैल्यू कैलकुलेट करो। यहाँ पे ए फिक्स है 1 पे तो ए आ गया, बी फिक्स है 0 पे तो बी बार आ गया, सी चेंज हो रहा है 0 से 1 सी नहीं आएगा, डी फिक्स है 1 पे तो डी आ गया। अब इसके लिए बना लो, ए फिक्स है और बी फिक्स है 0 0 पे तो ए बार बी बार, यहाँ से यहाँ सी 0 पे फिक्स है तो सी बार, डी चेंज हो रहा है 0 से 1 तो डी बार नहीं आएगा। एक जो ये रोलिंग ग्रुप है इसके लिए भी बना लेते हैं, ए और बी फिक्स है 0 0 पे तो ए बार बी बार, यहाँ से यहाँ सी 0 से 1 चेंज हो रहा है, डी 0 से 0 चेंज नहीं हो रहा तो डी बार। एक ये ए 0 से 1 चेंज हो रहा है, बी 1 से 1 चेंज नहीं हो रहा तो बी आ गया, सी और डी फिक्स है 0 0 पे तो सी बार एंड डी बार। एक ये रह गया 1 1 में तो चेंज कुछ होना नहीं है, तो ए 0 पे फिक्स है ए बार आएगा, बी 1 पे फिक्स है तो बी आएगा, और यहाँ पे सी और डी 1 1 पे फिक्स है तो सी और डी आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बना, सारों को ऐड कर दीजिए, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार डी बार प्लस बी सी बार डी बार प्लस ए बी बार डी प्लस ए बार बी सी डी, ये आपका आंसर आ गया। आपने सिंप्लीफाई कर लिया एक जो है के मैप को, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है ये 4.4 एग्जांपल थी, 4.5 एग्जांपल आप खुद कर सकते हो जिसमें कार्नोक मैप से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ,
दैट इज इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन। अब जैसे हमने 8421 कोड पढ़ा था, हमने उसमें 8421 कोड में पढ़ा था कि हमारे पास जो अलाउड कोड्स हैं वो है सिर्फ 0000 से लेके 1001 तक, 1010 से लेके 1111 वाले कोड जो हैं वो इलीगल कोड्स होते हैं, ठीक है। तो इस इलीगल कोड्स के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपके पास मेन टर्म आती है, अगर मेन टर्म आती है इन इलीगल कोड्स के कोरस्पॉन्डिंग, तो उसमें जो है आपने जीरो या वन की वैल्यू नहीं डालनी, आप जो है कोई ऐसी वैल्यू डाल लोगे कि कुछ भी हो सकती है, वो जीरो भी ले लो वन भी, आपकी मर्जी है। आप जो वैल्यू डालते हैं वो हम निशा डालते हैं 5, एंड दिस इज कॉल्ड डोंट केयर कंडीशन, कि जब आपकी जो मिन वैल्यू है वो इलीगल कोड में आती है उस केस में आप जो है ना जीरो डालोगे उसे ना वन डालोगे, आप जो है उसको जो है 5 वैल्यू डालोगे। 5 का मतलब है डोंट केयर कंडीशन, मतलब 5 की वैल्यू जो है चाहे 0 भी हो सकती है चाहे 1 भी हो सकती है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है उसे बदल सकते हो। कि अगर आपने उस, अगर आपका जो 5 है वो ग्रुप के अंदर आया, अगर 5 किसी ग्रुप के अंदर आया तो आपने उसे 1 मान लेना है, अगर ये 5 जो है किसी ग्रुप के अंदर नहीं आया तो आपने उसे 0 मान लेना है। तो इस तरह से ये 5 जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो एक एग्जांपल कराता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो 1, 2, 3, 5, 13, इसलिए तो आपकी मिन टर्म है, मतलब M0, M2, M3, M5, M13 पे तो आपका 1 आएगा। M6, M8, M7, M6, M7, M8, M9, M10, M11 पे आपने 5 डालना है, मतलब डोंट केयर डालना है, और बाकी जगह 0 डालना है। अब आपको सॉल्व कराता हूँ एक डोंट केयर कंडीशन से कैसे होता है। ठीक है, अब दोबारा से मैं छोटे छोटे लिख लेता हूँ आपके लिए। M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, ठीक है। M1, M2, M3, M1, M2, M3, M5 एंड M13, यहाँ पे 1 डालना है। M6, M7, M8, M9, M6, M7, M8, M9, M10, M11, बाकी जगह 0। तो अब ध्यान से देखना कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। सो अब आपने जो है सबसे पहले तो देखना है ऑक्टेट, कोई ऑक्टेट बन रहा है, मुझे ऐसा कोई ऑक्टेट बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। 5 भी कंसीडर करने हैं आपने, 5 भी कंसीडर करने हैं, तो आपको फिर भी 5 कंसीडर करने के बाद भी कोई ऐसा ऑक्टेट बनता हुआ नहीं दिख रहा, आपको एक क्वाड बनता हुआ दिख रहा है ये वाला। 5 लेने हैं, 5 को आपने 1 मान लेना है और एक क्वाड ये बन रहा है। अब आप कहोगे एक क्वाड ये भी बन रहा होगा, बट ऐसा क्वाड आपने कभी कंसीडर करना जिसमें सारे 5 हों, ठीक है। ऐसा क्वाड आपने कंसीडर नहीं करना जिसमें सारे के सारे 5 हों, ठीक है, या डोंट केयर हो। तो आपने यही, आपके जो है सिर्फ यही 2 जो है वो क्वाड बने, तो इसके लिए आंसर निकालो। यहाँ से यहाँ जाने में ए की वैल्यू अनचेंज है 0, तो ए 12 आ गया। बी की वैल्यू चेंज है 0 से 1, बी नहीं आया। सी की वैल्यू अनचेंज है 1, तो सी आया। डी की वैल्यू अनचेंज है 1 से 0, तो ए बार सी आया। इसका ए की वैल्यू भी चेंज है, बी की वैल्यू भी चेंज है, सी और डी अनचेंज है, सी बार और डी, तो आपका आंसर आया ए बार सी प्लस सी बार डी। तो इस तरह से डोंट केयर कंडीशन भी आपने याद रखनी है। एक और एग्जांपल करा रहा हूँ वो कि जो कि एक लास्ट एग्जांपल होगा,
आपके लिए, ठीक है। सो लास्ट एग्जांपल आपके लिए और करा रहा हूँ मैं, एफ ए बी सी डी 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 5, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। ऑल दो ये आप खुद कर सकते थे, लेकिन मैं फिर भी आपको करा रहा हूँ क्योंकि अब पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आपको जो है अपने सामने जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। इसलिए मैं आपको जितने पॉसिबल एग्जांपल हो सके वो मैं खुद ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, किसी में डाउट ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी M0, M2, M3, M5, M6, M8, M9 जो है वो 1 है और ये सारी जो M10, M11, 12, 13, 14, 15 ये 5 है। तो मैं अब वो लिख के नहीं दिखा रहा, ये सिंपली बना देता हूँ। 1, 0, 1, 5, 1, 1, 0, 5, 5, 1, 1, 5, 5, इस तरह बनेंगे। तो अब आपने सबसे पहले देखना है ऑक्टेट, आपको मुझे एक ऑक्टेट दिखाई दे गया है। सबसे पहले ये आपका एक ऑक्टेट बन गया, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक रोलिंग ग्रुप भी दिखाया है और रोलिंग जो है मुझे क्वार्ट दिखाई दिया है सीधा, ये एंड ये। इसके अलावा मुझे एक क्वार्ट और दिखाई दिया है, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक ये पेयर दिखाई दिया है, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और क्वार्ट दिखाई दिए जो कि रोलिंग ग्रुप में है, वो कौन सा ध्यान से देखना, मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कॉर्नर का 1, ये कॉर्नर का 1, इस कॉर्नर का 1 और इस कॉर्नर का 5, 1, 1, 1, 5, ठीक है। इस तरह से भी मैं जो है रोलिंग ग्रुप का जो है क्वार्ट या फिर क्वार्ट जो है वो बना सकता हूँ अगर मेरे चारों कॉर्नर पे 1 हो। अब यहाँ पे चारों कॉर्नर पे 1 नहीं, एक 5 था, लेकिन मैं 5 को भी कंसीडर कर सकता हूँ मेरे ग्रुप में। तो मेरे पास एक ऑक्टेट, 2 क्वार्ट ना, 1, 2, 3, 3 क्वार्ट और एक पेयर बना। तो सबसे पहले मैं ऑक्टेट का आंसर लिखता हूँ। ऑक्टेट का आंसर 1, 1, ए चेंज नहीं हो रहा तो ए का ए आ गया। बी 1 से 0 चेंज हो रहा है, बी नहीं आएगा। ओब्वियसली यहाँ से यहाँ जाने में सी भी चेंज हो रहा है, डी भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर तो सिर्फ आपके पास ए बचा, ठीक है। अब मैं इस ये रोलिंग ग्रुप के क्वार्ट की बात कर लेता हूँ। चलो ये वाला रोलिंग ग्रुप, यहाँ से यहाँ जाने में ए 0 से 1 चेंज हो रहा है, बी चेंज नहीं हो रहा, 0 से 0 बी 0 ही रहा, तो बी बार। यहाँ से यहाँ जाने में सी 1, 1 सी चेंज नहीं हो रहा तो सी आ रहा, ठीक है। एक ये मेरा क्वाड है, ये यहाँ से यहाँ जाने में ए और बी दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन सी डी कौन तो फिक्स है, सी 1 पे फिक्स है तो सी, डी 0 पे फिक्स है तो डी बार। अब मैंने एक ये क्वाड बना लिया, एक और क्वाड बन रहा था, हाँ जो ये वाला क्वाड है, चारों को मिला के ये चारों कॉर्नर्स वाला देखते हैं। यहाँ से यहाँ ए 0 से 1 चेंज हो रहा है तो ए नहीं आएगा, बी 0 से 0 फिक्स है तो बी बार आ जाएगा। यहाँ से यहाँ सी 0 से 1 चेंज है, डी 0 का 0 फिक्स है तो डी बार आ गया। अब आपके पास एक लास्ट पेयर बचा, 0 से 1 ए चेंज हो रहा है, बी 1 से 1 अनचेंज है तो बी आ गया, सी और डी अनचेंज है, सी 0 पे फिक्स है सी बार, डी 1 पे फिक्स है तो डी। तो आपके पास ये आंसर आ गया, क्या आया सारा आंसर, बी बार प्लस सी डी बार प्लस बी बार सी प्लस बी सी बार डी प्लस ए, ये आपका
आंसर आ गया। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, जरूरी नहीं है आपके पास जो है SOP फॉर्म आए, आपके पास POS फॉर्म भी आ सकती है। POS फॉर्म में जो है आपके पास, जैसे ये फंक्शन है ABCD, इसमें थोड़ा सा चेंज है, मैं कराने की चाहे ज़रूरत भी नहीं है। 4, 6, 7, 8, 10, 11 प्लस 5 डोंट केयर में आपके पास हैं 0, 1, 2, 13, 14 एंड 15। अब इसमें क्या चेंज है मैं आपको ड्रॉ करके बना के दिखा भी देता हूँ, बस सॉल्व नहीं कराऊँगा। जब आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट की जगह POS प्रोडक्ट ऑफ सम आ जाए, सबसे पहले M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15। जहाँ जहाँ हम पहले सम प्रोडक्ट में 1 डालते थे, अब आपने 0 डालना है, मतलब M40, M60, M70, M80, M10, M11 और 5 की जगह तो 5 आएगा, M05, M15, M25, 13, 14, 15, 13, 14 एंड 15, 5, बाकी जगह 1 आ जाएगा। अब जो ग्रुप बनेगा, पहले 0 से ग्रुप बनता था ना, सॉरी 1 से 1 को मिला के ग्रुप बनता था, अब आपका जो ग्रुप है वो 0 से बनेगा। तो सबसे पहले ऑक्टेट ढूंढो, क्या कोई ऑक्टेट बन रहा है 5 और 0 को मिला के? मुझे ऐसा कोई ऑक्टेट नहीं दिखाई दे रहा, एक रोलिंग ग्रुप दिखा रहा है 0, 0, 5 एंड 5, एक ये रोलिंग ग्रुप है। इसके अलावा एक जो है क्वार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला 5, 5, 0, 0 वाला, एक ये क्वार्ट दिखाई दे रहा है, देखो 0, 0, 5, 5 वाला, ठीक है। और जीरोस की हेल्प से देखो कुछ बन रहा है, हाँ एक ये पेयर बन रहा है। और जीरो कोई बच गई जो ग्रुप में नहीं आई? कोई भी जीरो जो ग्रुप में नहीं है, कोई ऐसी जीरो नहीं है जो ग्रुप में नहीं आई हो, आपके कंप्लीट हो गए। अब आपने जो है उसी तरह करना है, सपोज कर लो इस ग्रुप के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, करना वैसे ही है। यहाँ से यहाँ जाने में ए 0 से 1 चेंज हो रहा है, ए तो नहीं आएगा, बी अनचेंज है 1 से 1, तो बी का बी आ गया, ठीक है, बी का बी आ गया। यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में सी अनचेंज है 1 से 1, डी चेंज हो रहा है, तो जैसे वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। और अब 0 से 1 बी जो है वो 1 से 1 अनचेंज था, लेकिन अब 1 है तो 1 के लिए बी बार डलेगा, वहाँ पे 0 के लिए बार डलता था, यहाँ 1 के लिए बार डलेगा। सिमिलरली यहाँ पे सी जो है 1 से 1 अनचेंज है, तो सी बार डलेगा और प्लस का साइन आ जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता था, यहाँ प्लस का साइन आएगा। इस रोलिंग ग्रुप की बात करें, यहाँ से यहाँ जाने पे ए अनचेंज है 1 से 1, तो ए बार आ गया, बी 1 से 0 चेंज हो रहा है तो बी नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ जाने में सी अनचेंज है 1 से 1, तो ए बार प्लस सी बार आ गया। कॉर्नर वालों की बात करें, कॉर्नर वालों की बात कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ जाने में ए जो है 0 से 1 चेंज हो रहा है, लेकिन बी जो है 0 से 0 अनचेंज है, तो कॉर्नर वालों के लिए बी आएगा क्योंकि 0 है। यहाँ से यहाँ जाने में सी जो है 0 से 1 चेंज हो रहा है, डी चेंज नहीं हो रहा, 0 का 0 है, तो बी प्लस डी आ गया कॉर्नर वाले के लिए। एक ये रह गया लास्ट, यहाँ से यहाँ जाने में ए अनचेंज है 0, तो ए का ए आ गया, बी चेंज है 0 से 1, तो बी नहीं आएगा, और सी और डी जो है 0 पे फिक्स है, तो ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी। आपका आंसर क्या आया, कुछ भी कहीं से भी शुरू करो, बी प्लस डी, बी प्लस डी। अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो बी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय बी बार प्लस सी बार मल्टीप्लाई बाय ए बार प्लस सी बार एंड मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी प्लस डी। तो इस तरह से आप जो है प्रोडक्ट ऑफ सम का भी जो है कार्नोग मैप से सॉल्व कर सकते हो। आपके पास जो है सिलेबस में 4 वेरिएबल्स तक ही हैं कार्नोग मैप, 5 या 6 वेरिएबल वाले नहीं हैं, तो आपने इतने ही कर लिए, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट यूनिट जो है थर्ड यूनिट आगे करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।